हाय एवरीवन, मैं कुलविंदर सिंह आपके सामने लेके आया हूँ फाइनल अकाउंट्स अलोंग विद एडजस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वॉल्यूम 2 बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे आपको परेशान, हो जाएगी आपकी हर मुश्किल आसान। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ऑन 31 दिसंबर 2017 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मर्चेंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड अ बैलेंस शीट As on that date, after making all adjustment, मैंने इस क्वेश्चन में कलर्स के कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं जिसके जरिए ट्रांजेक्शन को लोकेट करने में आपको आसानी होगी। चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आने वाली ट्रांजेक्शन हैं उसको हमने येलो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली ट्रांजेक्शन हैं उन्हें हमने ब्लू कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और जो व्हाइट कॉम्बिनेशन के अंदर हैं उसको हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज यानी बैलेंस शीट की ट्रांजेक्शन है, ताकि कनेक्ट करते वक्त आपको आसानी हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही टेक्निक है, स्टार्टिंग से ही आप सभी ट्रांजेक्शन को मार्क कर ले कौन क्या है। चलिए एक बार फटाफट इसको दोहरा लेते हैं। डेटर्स एसेट्स, मशीन एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगा, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है TD। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, नाम TD। रिटर्न इनवर्ड अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन का मतलब ये माइनस होगा। अब जानते हैं सेल में से, ऑफ कोर्स परचेज डायरेक्ट है, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, नाम रखा है TD। इंटरेस्ट लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L की डेबिट साइड। सो एज बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेबिट साइड। आज बैड डेट्स आपसे बचने वाला नहीं है भाई, चिंता मत करिए, आ गया है आपका बड़ा भाई कुलविंदर सिंह, नाम याद रखना। रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L की डेबिट साइड। कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L की डेबिट साइड, सो एज सैलरी। उसके बाद चैरिटी। अक्रूड रेंट, आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंगल इफेक्ट होगा, अक्रूड रेंट इज नोन एज एसेट्स। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L की डेबिट साइड। ऑक्ट्राई डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं वो लायबिलिटी और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट रसीड इनकम, लोन लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से लेस होगा, एडवांस कमीशन, एडवांस में आया पैसा आपका कैसा, लायबिलिटी। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी एंड प्रोविजन ऑन डेटर, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा जब हम बैड डेट्स की ओर अट्रैक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, कलर कॉम्बिनेशंस क्लियर हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है आप जानते हैं, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। चलिए पर्टिकुलर अमाउंट लेके आते हैं। अब आप स्क्रीन पर गौर से देखिएगा, येलो जहाँ से स्टार्ट होता है पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है, देखिए स्क्रीन पर मैं रुकता हूँ आपके साथ चलता हूँ। स्टार्टिंग से थर्ड ट्रांजेक्शन इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ओपनिंग स्टॉक ₹4,08,000। उसके बाद आपने परचेज को लेना है, किसको लेना है, परचेज। देखिए परचेज उसी के नीचे नजर आ गया होगा आपको, 13,02,950, ठीक है जी। अब परचेज है तो इसकी रिटर्न आउटवर्ड हो सकती है नहीं। चलिए येलो, लास्ट येलो देखें अपने राइट हैंड साइड पे, रिटर्न आउटवर्ड 1950 आपको नजर आ गया होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, स्क्रीन पे देखते रहिए, येलो कॉम्बिनेशन लास्ट है, राइट हैंड साइड पे 1950, परचेज रिटर्न लेस कर दिया 1950। अब नीचे इसकी एडजस्टमेंट्स आएंगी, गौर से देखिएगा। सेकंड एडजस्टमेंट, अ फायर अकर्ड ऑन 5 दिसंबर 2017 इन द गडाउन एंड स्टॉक ऑफ ₹5,000 वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। इट वॉज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट 60% ऑफ द क्लेम। मैं स्क्रीन पे इसका ना ट्रांजेक्शन लेके आता हूँ एडजस्टमेंट का। ये देखिए लॉस बाय फायर, देखिए जब भी आग लग जाएगी तो परचेज आपका लेस होगा फुल अमाउंट से। पहले स्क्रीन पे देखिए मैं लेस कर रहा हूँ, देखिए प्यार से लेके आ रहा हूँ एडजस्टमेंट, देखिए कितना अमाउंट था, लॉस बाय फायर इज 5000, तो मैं 5000 लेस कर रहा हूँ, किया ना। एक बार स्क्रीन पे फिर से देख लीजिए, लेस करेंगे लॉस बाय फायर, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, जो एक्चुअल लॉस होगा वो P&L में आएगा, जो क्लेम होगा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, जब बनाएंगे तब दिखाएंगे। उम्मीद रखता हूँ ये एडजस्टमेंट क्लियर होगा। अब मैं इस एडजस्टमेंट को बाय बाय कर रहा हूँ, चलो जी जाओ एडजस्टमेंट,
बाय, देखो गई, बाद मानती है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो नंबर थ्री है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए बेटे, आपने गुड्स को फ्री सैंपल के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अगर आपने किया तो पहले इसका ट्रीटमेंट लेके आता हूँ। गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल जो हमने सीखा था वॉल्यूम टू के वीडियो में, परचेज में से क्या होगा माइनस, देखिए मैंने किया। लॉजिक क्या माइनस करने का, भैया आपने गुड्स फ्री में बांट दिए हैं तो ऑब्वियसली वो गुड्स आपके यानी परचेज को रिड्यूस करेंगी, कॉमन सेंस। जो गुड्स बट गई वो यहाँ से हट गई है जी, चलिए हमने माइनस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट पी एंड एल में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि गुड्स बांटना एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल की डेबिट साइड पे आएगा। वहां खोलेंगे इसका सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट क्यों है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट की ओर बढ़े, चलिए स्क्रीन से इसको हटा देता हूं। ये देखो गई, है ना कमाल की चीज। फोर्थ एडजस्टमेंट भी परचेज से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। गुड्स 2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले ली, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। लेकिन परचेज क्या होंगी? लेस। जब भी कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, गुड्स तो बाबा कम होंगी, हाँ या ना बोलो, थोड़ा सा सोचो, सब चीजें मैं नहीं सोचनी है, थोड़ा आप भी सोचो, कॉमन सेंस। गुड्स होगी कम है जी, तो लेस करेंगे। देखो स्क्रीन पे आ गया लेस ड्रॉइंग्स, क्लियर हो गया पॉइंट। फिर से एडजस्टमेंट फोर देखें, गुड्स रुपीज 2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। गुड्स यानी परचेज, पर्सनल यूज मींस ड्रॉइंग, तो परचेज क्या हो जाएंगी? लेस। उम्मीद रखता हूं सही लगाया होगा आपने गैस। चलिए एडजस्टमेंट हटा दी, आगे बढ़ते हैं। परचेज से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब आते हैं स्क्रीन पे और क्या है परचेज के बाद। आइए स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको, परचेज से दो ऊपर हेड चले जाइए रिटर्न इनवर्ड के ऊपर, क्या दिख रहा है आपको? वेजेस। चलिए वेजेस स्क्रीन पे आ चुका है 25,250, क्लियर हो गया पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिलेगा आपको शायद। आगे बढ़ते गए, येलो को टारगेट करना है, जल्दी हो जाएगा आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर, येलो को टारगेट करना है, बहुत जल्दी आप स्क्रीन पे पकड़ लेंगे इस पॉइंट को। क्या नजर आ गया? सही गैस किया आपने, ऑक ट्राई, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड 5000। अब हमारे सारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है, अब हम जाएंगे सेल्स की ओर। सेल जो हमारा इनकम है लिख रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देखें क्या लिखा हमने, बाय सेल्स 18,02,000 रुपी। अब सेल है तो रिटर्न इनवर्ड भी हो सकती है, चलिए देखते हैं। रिटर्न इनवर्ड दिया येलो में, देखिए स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड पे ऊपर से फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिटर्न इनवर्ड, क्या अमाउंट है? 2,40,000। देखिए हमने लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 15,62,000, क्लियर हो गया पॉइंट। अब एडजस्टमेंट में जाइए, कोई ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकती है एडजस्टमेंट, क्या आ रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक लीजिए, आ गया क्लोजिंग स्टॉक 4,09,250। अब हम लगाएंगे टोटल्स, लीजिए मैंने लगाया 19,71,250 और डिफरेंस आपका ऑब्वियसली क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, कितना आ गया 2,40,000। उम्मीद रखता हूं ट्रेडिंग अकाउंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा है जी। चलिए अब आगे हम क्या बनाने वाले हैं बताइए, नहीं बताओगे कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजों का करेंगे खुलासा, ठीक है, बहुत मिलेगी हम सबको दिलासा, करेंगे खुलासा। कौन सा खुलासा? चलिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दें जी, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, है ना कमाल। आइए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे जो ब्लू में है और जिनके आगे हमने पीडी लिखा विच मीन्स पी एंड एल की डेबिट साइड और पीसी लिखा विच मीन्स पी एंड एल की क्रेडिट साइड, क्लियर है जी। बढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है स्क्रीन पे ब्लू में, पहला कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 6,000। उसके बाद आ गया जी आपका अपना, पूरा होगा सपना, बैड डेट्स, आपका अपना बैड डेट्स करता था ना परेशान, अब करेंगे इसका काम तमाम, हम जब बैठेंगे हिंदुस्तानी दूर हो जाएगी हम सबकी परेशानी। आइए चलते हैं और बैड डेट्स को हराते हैं। चलिए अब स्क्रीन पे आपके सामने ला रहे हैं बैड डेट्स, वही बैड डेट जो आपको करता था परेशान, आज कर देंगे इसका काम तमाम। बैड डेट स्क्रीन पे आ चुका है 23,100। एडजस्टमेंट नंबर सिक्स पढ़े, राइट ऑफ रुपीज 20,000 एज बैड डेट्स। इसका मतलब है फर्दर लॉस, यानी नया लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो लॉस तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा। चलिए स्क्रीन पे एडजस्टमेंट लेके आ रहा हूं आपके सामने, फर्दर बैड डेट्स नंबर वन पी एंड एल की डेबिट साइड आएगा
और सेकेंड इफेक्ट डेटर में से माइनस होगा। देखिए बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे, तो पहला इफेक्ट क्या लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। बैड डेट्स पुराने दिए हुए हैं, उसी में हम ऐड कर देंगे 20,000 एज फर्दर बैड डेट्स। उम्मीद पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है जी, हटा दें इसको। अब अगली एडजस्टमेंट आपके सामने क्या है, चलिए अगली एडजस्टमेंट है रिजर्व ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5%। अब इसको करना बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना। लीजिए स्क्रीन पे इसकी एडजस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट्स। ये तो एस्टिमेटेड लॉस है, तो कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल की डेबिट साइड। अब मैं इसकी कैलकुलेशन सिखाता हूँ, बड़े आराम से समझाता हूँ, गौर करिएगा, परेशान नहीं होना, मेरे होते हुए हो जाएंगी आपकी हर मुश्किल आसान। नहीं होगा आज के बाद कोई भी परेशान, क्योंकि मिलके हमने कर दिया बैड डेट्स का काम तमाम। शायराना अंदाज है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने क्या लेके आ रहा हूँ, डेटर, कितने अमाउंट के डेटर है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है डेटर की 3 लाख, पहला पॉइंट क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 6 को अपने सामने फिक्स करें, राइट आउट 20,000 एज बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब बैड कस्टमर, पैसा डूब गया, तो डेटर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ट्रीटमेंट तो आप जानती हैं, क्या होंगे डेटर, डिक्रीज। देखिए जी हमने किए, पॉइंट क्लियर हो गया। रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, 2,80,000। अब हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट्स, मतलब जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर आप रिजर्व लगाइए। तो पैसा कितना मिलना है, 3 लाख, नो, किसने कहा, BCR तो डूब गए यानी फर्दर बैड डेट, तो रिमेनिंग कितने हैं, 2,80,000 जो आपके प्रेजेंट डेटर्स हैं। अब इनके ऊपर कितना डाउटफुल होगा, 5%। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2,80,000 का 5% कितना बन गया, 14,000। क्लियर हो गया पॉइंट। अब ट्रीटमेंट की ओर गौर करिए, जो लेफ्ट साइड पे रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ऑलरेडी इसकी फैमिली चल रही है बैड डेट, फर्दर बैड डेट डेबिट साइड ही है ना। एक रूल अकाउंट्स का सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, डेबिट और डेबिट आपस में प्लस होते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है। चलिए प्रोविजन हम क्या करेंगे, प्लस, हाउ मच, 14,000। उम्मीद पॉइंट क्लियर होगा। चलिए अगली एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2%। पहले इसका ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, सेम, क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस और लॉस है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, है जी। अब कैलकुलेशन दिखाता हूँ, किस वैल्यू पे लगाओगे, सोचो, 3 है, 3 लाख पे, नो, 3 लाख तो आपके डेटर है नहीं, 2,80,000 पे लगाओगे, मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो भी आपके डेटर्स नहीं है। वजह, 14,000 लेस हो चुके हैं, डाउटफुल। तो बेटा डिस्काउंट किसको दोगे, जिन्होंने आपको पैसे देने हैं, ठीक है, आपको अमाउंट डेटर से कितना आना है, 2,60,000, तो डिस्काउंट भी उनको जाना है। डिस्काउंट का एक सीधा सा खेल है, कराता हूँ आपका खूबसूरत मेल है, जितना पैसा आना है डिस्काउंट उतना जाना है, 2,66,000 आना था, 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करते जाना था। चलिए स्क्रीन पे 2,66,000 का 2%, 5,320, समय में आ गया। चलिए अब कैलकुलेशन लिखता हूँ, 5,320 डेबिट होना है, डेबिट हमने कर दिया, सामने स्क्रीन पे देखें 5,320, गॉट इट, सभी को क्लियर, कह दो ना, मुस्करा दो यार, क्लियर है, ठीक है जी, नहीं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, सर एक बार दोबारा समझा दीजिएगा, फिर से आ जाएंगे। अब आएगा टोटल 62,420। अब बिल्कुल क्वेश्चन की लास्ट में आ जाए, प्रोविजन ऑन डेटर है, इसे हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, ट्रायल बैलेंस में दी गई प्रोविजन बैड डेट्स के टोटल में से सब्ट्रैक्ट होगा, बस इसका यही एक ट्रीटमेंट है। चलिए हमने माइनस कितना किया, 6,000, 56,420। उम्मीद रखता हूँ ये एडजस्टमेंट आपको आसानी से समझ आ गई होगी, नहीं तो जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। इस एडजस्टमेंट को स्क्रीन में हटाने से पहले एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, बैड डेट्स की हर एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आएगी, डेबिट साइड। पहला ट्रीटमेंट तो आप याद रखें, दूसरा स्टेप बाय स्टेप आपने लेस करना है, पहले फर्दर बैड डेट, फिर जो प्रेजेंट डेटर बचेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 3 लाख में से 20,000 लेस किया, रिमेनिंग आया 2,80,000। अगले एडजस्टमेंट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट का होगा, और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट सबसे आखिर में होगा। ध्यान दीजिए, पहले हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, फिर डाउटफुल डेट्स होंगे, और आखिर में डिस्काउंट होगा, स्टेप बाय स्टेप है। तो दोबारा समझ लीजिए, 3 लाख में से 20,000 फर्दर बैड डेट थे, प्रेजेंट डेटर आए 2,80,000 जो कि डाउटफुल हो सकते हैं 5%, 2,80,000 का ही 5% होगा 14,000, रिमेनिंग आएगा 2,66,000, और आखिर में है 2% डिस्काउंट जो 2,66,000 में निकालेंगे, 5,320। उम्मीद रखता हूँ ये एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं स्क्रीन से इसे हटाता हूँ, देखो क्या खूबसूरत स्टाइल है, ये क्या घूम रहा है,
हर स्टूडेंट झूम रहा है कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आ गई है जी। आगे बढ़े यहां से, अगला पॉइंट क्या है इसके बाद, बैड डेट्स के बाद रिपेयर्स, क्या है जी रिपेयर 16750। उसके बाद अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कैरिज आउटवर्ड 23930। फिर सैलरीज है जी 80,000। फिर है चैरिटी, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1250। अब इसके बाद आ रहा है इंश्योरेंस, अमाउंट है रुपीज 10,000। अब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस खत्म हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। सबसे पहला आ रहा है स्क्रीन पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड है जी आपका 8350। चलिए और चेक करिए कोई और इनकम है, आई थिंक और कोई इनकम है नहीं जिसे हम पी एंड एल की क्रेडिट लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने एक एडजस्टमेंट स्क्रीन पे लाना चाहूंगा, नंबर 5, प्रोवाइड 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है जी। अब इसकी ट्रीटमेंट लेके आता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, क्रेडिटर अगर आपको डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा। स्क्रीन पे लिखा है क्रेडिटर अगर आपको डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपकी इनकम है पी एंड एल की कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में से सब्ट्रैक्ट होगा जब हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए लिखते हैं, पहले कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आपकी इनकम है, हाउ वी कैलकुलेट। ट्रायल बैलेंस में देखिए आपको कितने नजर आ रहे हैं क्रेडिटर, आपके राइट हैंड साइड में कैपिटल के नीचे दिया हुआ है और इंटरेस्ट रिसीट के ऊपर, हाउ मच इट इज 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना हो गया 15,000, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, है जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स की ओर, आइए एडजस्टमेंट नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा, फायर अकर्ड इन द गोडाउन एंड स्टॉक 5,000 वर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट 60% ऑफ द क्लेम। क्या ट्रीटमेंट इसका सीखा था हमने, क्या सीखा था, ये आ गया स्क्रीन पे, ये लो। जब भी लॉस बाय फायर होगा परचेज में से पूरा अमाउंट लेस होगा, पी एंड एल में आ गया एक्चुअल लॉस। चलिए पहले मैं लिखता हूँ लॉस बाय फायर, हाउ मच 5,000, कितना परसेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने जा रही है 60%, लेस कर लीजिए 5,000 का 60% लेस, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ 2,000। क्लियर हो गया पॉइंट, इसे कहते हैं एक्चुअल लॉस, है ना, कमाल का मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कोई ट्रांजेक्शन इसमें आ सकती हो, यस नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। स्क्रीन पे पहले लेके आता हूँ, फ्री सैंपल का क्या ट्रीटमेंट सीखा था हमने, परचेज में से लेस होगा, पी एंड एल की डेबिट साइड आएगी, कारण उसका एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, गुड्स को मुफ्त में बांटना एडवर्टाइजिंग कहलाता है, सब जानते हैं फ्री में बांटी गई गुड्स कहलाती है एडवर्टाइजिंग। चलिए एडवर्टाइजिंग आपके सामने है 1,000, क्लियर हो गया पॉइंट, कह दो मुस्करा दो। चलिए अगला एडजस्टमेंट है नंबर 7, नंबर 7 में लिखा है प्रोवाइड मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पे गौर से समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, गौर से, कमीशन किस पे लगानी है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, लीजिए स्क्रीन पे लाते हैं, कुछ नहीं करना, सब मैंने किया हुआ है, बस आप देखते जाइए और मजे लेते जाइए। मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब आप इस क्वेश्चन में टोटल लगाएंगे तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, तो वो कितना आएगा आपका 2,63,350, और एडवर्टाइजिंग तक का डेबिट साइड से आपने टोटल लगाना है, राइट फ्रॉम जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने नोट की थी वहां से लेकर डेबिट साइड का टोटल लगाए। चलिए मैंने आपकी हेल्प की हुई है, सामने देखिए वो आएगा 1,97,350, करिएगा यही आएगा, चिंता मत करिए, कुछ गलत चीज नहीं बताऊंगा आपको, परेशान नहीं करूंगा बेटे, कभी भी नहीं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लीजिए कितना आ गया 66,000, इसे हमने कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। देखिए एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक काम करिए ना, आप कमीशन मत कैलकुलेट करिए, पहले सिंपल नेट प्रॉफिट निकालिए, जैसे मैंने निकाला 66,000। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके, अब आ गया 66। अब अपने दिमाग में वैल्यू 66 रख लीजिए, रख लिया, अब कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, करते हैं 66,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस रेट 110। ये आपने 110 रेट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इतना तो आप जानती होंगे, ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आ गई 6,000, क्लियर हो गया। आई रिपीट, 66,000 रुपी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, और क्वेश्चन में आपको मांगा गया है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कैलकुलेट करेंगे 66,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6,000। अब ट्रीटमेंट हमने क्या सीखा था, मैनेजर कमीशन का पी एंड एल की डेबिट साइड, क्या सीखा था इसका, पी एंड एल की डेबिट साइड,
क्लियर हो गया। अब आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 60,000। तो टोटल आ गया 2,63,350। उम्मीद रखता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बोलो हाँ या ना, सच में हो गया ना क्लियर। चलिए आपके सामने क्या पेश करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट। सामने स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन आ गया, आपका अपना डेटर। उम्मीद रखता हूं हमने इसका कर दिया होगा काम तमाम। लाइए मैं आपको दिखा तो हमने कैलकुलेशन कैसे की थी। पहले हम थे डेटर्स के साथ 3 लाख, उसमें से हमने लेस किया था फर्दर बाय डेट, रिमेनिंग अमाउंट आया था 2,80,000। फिर इसके ऊपर हमने 5% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट निकाला था, और आखिर में हमने इसके ऊपर डिस्काउंट निकाला था 5,320। जो हमने यहाँ किया था सेम हमने वहीं करना है। पहले लेस होंगे फर्दर बाय डेट, फिर लेस होगा न्यू प्रोविजन, फिर लेस क्या होगा डिस्काउंट ऑन डेटर। याद रखिए डेटर की हर एडजस्टमेंट से डेटर की वैल्यू लेस होती है, बस इतना सी आपने ख्याल रखना है। चलिए स्क्रीन से डेटर को हटा रहे हैं, तुरंत सामने से हट गया, क्या स्टाइल से गायब किया, कमाल है। अगला एसेट कौन सा आ रहा है आपके सामने, मशीनरी सेम 1,60,000। चलिए अगला एसेट कौन सा आ रहा है, एक्रूडेंट। ट्रेल बैलेंस में गिवन है सिंगल इफेक्ट होगा, तो क्या कहलाएगा एसेट एक्रूडेंट 8,000। नेक्स्ट है इसके पास बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नोन एज कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है 60,000। अगला वही हम सबका फेवरेट, मोदी जी इसके पीछे दीवानी है, कैश एट बैंक, कहते बैंक में पैसे लगाओ, बैंक में पैसे डालो, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूंगा, पता नहीं क्या क्या। कैश एट बैंक एसेट हमारा 40,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड की ओर। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या नजर आ रही है आपको, कैपिटल, आगे कैपिटल 3,75,000। कितना हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट, याद है आपको 60,000, लीजिए आ गया 60,000 प्रॉफिट, तो वैल्यू बन गई 4,35,000। अब एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट नंबर आपको मिलेगी इसमें नंबर 4, गुड्स 2,000 टेकन बाय प्रोपराइटर। क्या था इसका ट्रीटमेंट, स्क्रीन पे फिर से आ गया, क्या खूबसूरत स्टाइल है। जब भी गुड्स प्रोपराइटर विड्रॉ करेगा कैपिटल में से माइनस होगा एज ड्रॉइंग, कितना अमाउंट है 2,000, लीजिए हमने लेस किया, बैलेंस आ गया 4,33,000। आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद कैपिटल के बाद सामने क्या आया था, क्रेडिटर 3 लाख रुपी। अब हम क्रेडिटर को क्या करेंगे, इसका एक एडजस्टमेंट था, चलिए एडजस्टमेंट सामने लाता हूँ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पे क्या इफेक्ट डालेगा, माइनस, कितना परसेंट था 5%, यानी 15,000, लीजिए हमने लेस किया, वैल्यू कितना आ गया 2,85,000। क्लियर हो गया पॉइंट, अरे मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसके बाद, लोन, लोन हमारा है 73,930, वो हमने लिख दिया एज लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन आपका पैसा नहीं तो आपकी क्या है लायबिलिटी 3,000 रुपी। और आखिर में आपको क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है रुपीज 1,40,000, ये हमने लिख दिया। आइए एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिनका जो इफेक्ट जाएगा वहीं लेंगे। सबसे नंबर 1 पे कौन है, क्लोजिंग स्टॉक, आप सब जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट 4,09,250। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फायर अकर्ड ऑन 5 दिसंबर इन द गोडाउन एंड स्टॉक 5,000 वाज डिस्ट्रॉयड। चलिए स्क्रीन पे इसकी एडजस्टमेंट लेके आता हूं, ये लीजिए, खूबसूरत स्टाइल, मजा आ गया सच में। देखो परचेज में से लेस कर दिया पूरा अमाउंट, पीएनएल में एक्चुअल लॉस दिखा चुके हैं, अब एसेट साइड की बारी है, क्या आएगा इंश्योरेंस क्लेम, कितना परसेंट है 60%, किसका 5,000 का, क्या वैल्यू बनी 3,000, फिर से देख लीजिए क्या वैल्यू बनी 3,000, एक बार और क्या वैल्यू बनी 3,000, किसका 5,000 का 60% कितना बना 3,000, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट केस के बाद एडजस्टमेंट नंबर 7, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन क्या होता है, ट्रीटमेंट सामने ला रहा हूं, पीएनएल की डेबिट साइड आएगा और लायबिलिटी साइड लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए मैनेजर कमीशन कितना आ गया 6,000, टोटल मिलाते हैं और मुस्कराते हैं, अमाउंट है 934,930 बोथ साइड। उम्मीद रखता हूं इस क्वेश्चन को समझाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। एक बात मैं आपको बहुत यकीन से कहना चाहता हूं, ये जो फाइनल अकाउंट्स के 2 वीडियोस मैंने आपके लिए बना के दिए हैं, इन 2 वीडियोस के अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपके स्कूल में आ सकती है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ग्रिप बनाइएगा, इसे बार बार समझिएगा, देखिएगा, और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो औरों को ज़रूर बताइएगा, उनसे शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। अगर मेरा कोई प्रयास किसी के नंबर लाने में काम आ सकता है तो मैं इसका बहुत बड़ा धन्यवादी होऊंगा। उम्मीद रखता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट का आज हमने मिलकर कर दिया काम तमाम। चलिए बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा अगली बार किसी अच्छे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कटैक्ट।